Please subscribe for more information and continue watching. Please subscribe the channel. नमस्कार दोस्तों, बात हो रही हो जब स्पोर्ट्स बाइक की तो R15 को कौन भूल सकता है। उसके इतिहास के बारे में ज़रा नज़र मारते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ऐसी नहीं थी शुरुआत से। यामाहा कंपनी के द्वारा यानी कि यामाहा मोटर कंपनी ने इसे सन 2008 के अंदर भारत में इंट्रोड्यूस किया था इसका बेसिक वर्जन, और साथ में सितंबर 2011 में इसका सेकेंड वर्जन आया था जिसको ये V2.0 कहते थे, और इंडिया के अंदर इसका अप्रैल में और मतलब इंडोनेशिया में भी ये लॉन्च हुई थी सन 2014 के अंदर, इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था, और जनवरी 2017 के अंदर इसका थर्ड वर्ज़न आया था जिसका नाम था R15 V3। काफ़ी बेहतरीन सफ़र रहा है R15 का और नाम इसने कमाया है। ये 150cc की बाइक होने के बाद भी इसने काफ़ी बेहतरीन नाम कमाया, पावर के मामले में काफ़ी मतलब बेहतरीन बाइक रही है, और लुक के मामले में भी चुम्मा देने लायक बाइक है, कतई जहर बाइक है कतई। अगर किसी को स्पोर्ट्स बाइक लेनी हो तो मतलब R15 काफ़ी अच्छी है। इसके V3 वर्जन में LED हेडलाइट आपको मिल जाती हैं, और इसका जो V2 वर्जन है उससे पहले हेलोजन लैंप इसके अंदर आती थी। अगर हम जल्दी से बात कर लें इसके इंजन की, तो इसका लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि 2008 से 2017 तक चला है। 155.1 cubic centimeter यानी cc का इसका इंजन है, काफ़ी बेहतरीन इंजन है। 6 गियर के अंदर ये गाड़ी आती है, मतलब काफ़ी आग लगाने लायक गाड़ी है। फुल डिजिटल मीटर इसके अंदर फिलहाल करंट में आ रहा है। हाल ही में इसने अपना BS6B लॉन्च कर दिया है, और इसका मतलब सन 2008 से लेकर अभी तक इसकी प्रोडक्शन चल रही है, और काफ़ी धुआंधार गाड़ी है 150cc के अंदर। हालांकि टॉप सेलिंग नहीं है अपने सेगमेंट में, पर फिर भी काफ़ी अच्छा नाम है इसका, लुक वाइज परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी दबदबा है मार्केट में इसके अंदर। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हर बाइक और हर फील्ड की, ऑटोमोबाइल टेक्निकल स्मार्टफोन रिलेटेड A to Z नॉलेज आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। क्रेजी एंड एक्सपेरिमेंट अनबॉक्सिंग तक भी आपको मिलेगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।